मामूली विवाद में मारपीट के बाद युवक की मौत। इटावा जनपद के भड़तना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम बदरिया पुट बाहरपुरा में बीती 15 सितंबर की दोपहर करीब 2 बजे नामजद दबंगों ने एक घर में घुसकर लाठी डंडों से गृह स्वामी सर्वेश कुमार 35 वर्ष, अनिल कुमार 22 वर्ष, पुत्रगढ़ स्वर्गीय मोहब्बत सिंह व विधवा प्रेमा देवी 80 वर्ष पत्नी स्वर्गीय मोहब्बत सिंह गंभीर रूप से और श्री कांति देवी 32 वर्षीय संगीता देवी 40 वर्ष पत्नी मनोज कुमार सप्ता देवी 20 वर्ष पत्नी अनिल कुमार से मारपीट की थी जिससे वह जख्मी हो गए थे, जिसमें हमलावर सर्वेश को पीटकर मरा समझकर घटनास्थल से भाग जाने में सफल हो गए थे। इस बीच परिजन गंभीर घायल सर्वेश और उसकी बुजुर्ग माँ प्रेमा देवी को इलाज हेतु भड़तना चिकित्सालय लेकर पहुंचे। बाद चिकित्सकों ने गंभीर हालत में माँ बेटे को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया। यहाँ चिकित्सकों ने सर्वेश की हालत चिंताजनक बताते हुए सैफई भेज दिया, जहाँ इलाज के दौरान सर्वेश की दुखद मौत हो गई है। सर्वेश की मौत की खबर सुनते ही मृतक परिवार में कोहराम मच गया। हालांकि सर्वेश की मौत के बाद भड़तना पुलिस सक्रिय हुई और पीड़ितों की तहरीर पर नामजद थाना बकेवर और भड़तना क्षेत्र के 3 गांवों के 9 महिला पुरुषों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया है। मृतक सर्वेश के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव उनके परिजनों के सुपुत्र कर दिया। घटना की जानकारी देते हुए मृतक के छोटे भाई अनिल कुमार पुत्र स्वर्गीय मोहब्बत सिंह ने बताया कि उसके भाई सर्वेश की हत्या पुलिस की लापरवाही का नतीजा है। भैया क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। भैया क्या घटना हो गई आपको? भैया हम भाई माताजी घर पे थे, ये गए उल के दीवार, लाडू कुमार, मालती देवी, रिंकी देवी और भगवान दास और राजेश छोटू और लाडू, ये सब लोग गुंद नारायण, इन्हें और कहना बंटू कुमार, इन्हें जाके भैया पे हमला कर दिया। मेरे भैया की मतलब यहाँ बस हो गया, यहाँ से लेके हम भड़तना गए, भड़तना से रेफर कर दिया इटावा के लिए, इटावा से रेफर कर दिया सैंपई के लिए, सैंपई डॉक्टरों ने कानों मरा घोषित कर दिया। अब मुझे न्याय चाहिए, उसमें 2 लोग पकड़ गए, भगवान दास पवन कुमार और बाकी के पकड़े जाएँ, मुझे बिल्कुल न्याय चाहिए। उसके भाई के 5 बच्ची हैं, उनके देखने वाला कोई नहीं है। मेरे भी चोट है, माता जी के भी चोट है, हाथ में माता जी का हाथ टूट गया। भैया ये क्यों लड़ाई हुई है? कोई अजय मुझे मालूम नहीं किस बात पे उसके मन में क्या चल रहा था। मम्मी ने पानी की बोली थी, मेरे मकान में पानी जा रहा है वो बंद कर लो आप, इतने के ऊपर गाली गलौज की और मारने की धमकी दी। 8 तारीख को मैंने एप्लीकेशन थाने में दिया, आज दिन लो मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जब डेड हो गई तब एप्लीकेशन लिखी थी, अब तब सुनवाई हुई मेरी। पुलिस ने कार्रवाई की है कुछ? आप कार्रवाई की है, 8 तारीख से कोई कार्रवाई नहीं की थी मेरी। क्या नाम है आपका? श्रीकांति। मैम क्या घटना हो गई आपकी? घटना ये हो गई थी, पानी के ऊपर लड़ाई हो गई थी 8 तारीख की, राजा की नगर आई थी नगर, मालती देवी थी, संजीव भट्टे लाडू नाम है, सतीश थे, भल्लू भगवान दास थे, राहुल थे, पवन थे और रिंकी थी, राजा की नगर आगे छोटू थे। उसने इन दोनों को देखा घर में और यहाँ से दीवार उल के मारने लगे। हम लोगों ने बचाया तो हमारी सास को उसने मारा, वे तो घर में बंद कर लिए थे, उसके लाठी आठी मार दी हम पर, वे घुस हो गए थे, फिर अपने हाथ से अपने खोपड़ी में मार के वो चले गए, तारण से वो आए नहीं। अभी पुलिस वाले आते, पुलिस वाले कुछ कहते नहीं है, माँ जाते माँ कुछ कहते, यहाँ आते हमको धमकी देते हैं। फिर कैसे एक्सपायर हुए, इनका इलाज वगैरह हुआ कहाँ, कैसे हुआ? ले गए थे सैंपई, कितने दिन इनका इलाज चला है? एक दिन नहीं चल पाया, यहाँ से भड़तना ले गए, भड़तना से फिर नहीं कर दी, फिर इटावा ले गए, इटावा भी नहीं कर दी, मोती जी ले गए वहाँ पर, मतलब उनकी चली ही नहीं थी, मतलब दवाई वो एक रात रह पाई। हम ये चाहते हैं कि हमारे 4-5 बच्चे हैं, अब हमारे पास कुछ है नहीं है तो हमें कुछ दो, हमें कुछ न्याय चाहिए, और अब जब न्याय नहीं दोगे तो हम जो हमारे वो मरे उसको पहले लेके आओ। हमें कुछ नहीं हुई है।